अब आप लोग बताओ कि मैं ये चश्मे में कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना एकदम झक्कास। तो इसको निकालने में मेरी जान निकल गई है, बट ठीक है। गुड मॉर्निंग और सुप्रभात, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा दूसरा दिन है कौडिल्या पर। मैं अभी अभी उठी हूँ और आप लोगों को ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा प्यारा है बाहर का व्यू। चलो फिर बालकनी में चलते हैं। लहरों की आवाज़ सुन रहे हो? ये जो वेव्स की आवाज़ है ना, ये इतना ज़्यादा सूदिंग है, मैं तो इसी को सुनकर उठी हूँ। आज का अलार्म मेरा यही था, फ़ोन का अलार्म तो बजा ही नहीं। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सनराइज़ देखूंगी उठ के, लेकिन कल रात को ना मुझे मेरा पेट इतना ज़्यादा दुख रहा था, और पता नहीं क्या रीज़न था उसके पीछे, मैं रात भर सोई नहीं हूँ। मुझे रात को 4 बार वॉमिटिंग हुई है। वो तो ठीक है कि मैंने वॉमिटिंग की दवाइयाँ लाई थी तो मैंने उसमें से एक खा लिया, उसके बाद मुझे नींद आई। अभी देखो फिर से बादल आ गए। यार मुझे यहाँ का सनराइज़ देखना था, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जो सी पर सनराइज़ और सनसेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है यार। लेकिन मैंने आज मिस कर दिया, मे भी शायद कल देख पाएंगे। तो नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ, 10:30 बजे बंद होता है ये ब्रेकफास्ट का टाइम, और मैं 10 बजे आई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे इतना सिकनेस ऐसा जी मचल रहा था ना मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक थोड़ी ठीक नहीं होती तब तक यहाँ पर आऊँगी नहीं। ब्रेकफास्ट पर ध्यान देते हैं। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है। थोड़े से फ्रूट्स थे, मैंने वही खाई। इडली थी बट मैंने वो नहीं खाई, मुझे फ्रूट्स ही खाना था। थोड़ा लाइट खाना था, मन कर रहा था कि मैं थोड़ा लाइट खाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा लाइट खाना ही खाया। अभी आई गेस मैं आने के बाद ना सो गई, तो अभी शायद 12 बजे के करीब हो रहा है, और 12:30 बजे से 3 बजे तक के होने वाला है ब्रिज टूर। अब ब्रिज टूर ये होता है कि हम सेलर्स के केबिन में जाते हैं, वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि बोट जो है, सॉरी क्रूज़ जो है, वो सेल कैसे हो रही है। तो अभी अपन उसके लिए तैयार होते हैं, उसके बाद ब्रिज टूर के लिए निकलेंगे। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पर जो वाईफाई है जो मैंने लिया है 2.4 GB का, तो वो वाईफाई मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि चलता नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मैं तो रील्स अपलोड कर रही हूँ यार, यहाँ पे यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है कि मेरा अपलोडिंग नहीं हो रहा है या यहाँ पर नेटवर्क्स काम नहीं कर रहा है। नेटवर्क इन द सेंस अपना आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा। तो इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अपने घर पर या किसी और से, तो आप व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। बट हाँ एक और चीज़ है कि अपने जो बैकग्राउंड ऐप्स होता है ना, वो आप लोग हटा के रखना, बिकॉज वो बैकग्राउंड ऐप्स आपका वाईफाई बहुत ज़्यादा खा लेंगे, और आपका मे भी शायद नेट एक दिन में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मेरा एक ही दिन में 400 MB ख़त्म हो गया था। अभी मेरे पास सिर्फ 2100 बचा हुआ है। होप सो हमारे आगे के 4 दिन वो 2100 में निकल जाए। अब हमारे पास है ये चश्मे, शेड्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं चश्मा बोलूँगी, इसको भी पहन कर देखते हैं। अब आप लोग बताओ कि मैं ये चश्मे में कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना एकदम झक्कास यार, बट मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर सूट नहीं करते गॉगल्स, तो इसलिए हम इसको यहाँ पहनेंगे, कम से कम हम थोड़े स्टाइलिश तो लगेंगे इससे। बताओ, अरे यार दिख नहीं रही, बताओ कैसी लग रही हो। चलो ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया, हमको ब्रिज कैंप करने जाना है, वरना ब्रिज कैंप के लिए लेट हो जाएंगे। ब्रिज टूर कैंप नहीं, शिट BGMI मेरे सर पे चढ़ गया, ब्रिज कैंप नहीं ब्रिज टूर करने जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है यार कि मैं बहुत ज़्यादा पसारा गोल हूँ, और मैंने यहाँ पर आके भी पसारा क्रिएट कर दिया है। ये देखो यहाँ पर मेरा बिस्तरा ऐसे ही लगा हुआ है, मेरी वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई है। यहाँ का तो डेस्क क्लीन है क्योंकि यहाँ पर मैं तैयार होती हूँ, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ऐसी ही फैला कर रखी है। तो हमारे पास ये कार्ड है, प्लीज़ क्लीन द रूम, और पीछे क्या लिखा है, बिजी वॉचिंग द डॉल्फिन, मतलब बिजी है, डोंट नॉक। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हम बाहर लटकाएंगे। अब जब हम ब्रिज टूर करने गए ना, तब मुझे पता चला कि कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण ना आप कंट्रोल पैनल का वीडियो नहीं निकाल सकते हो। शाम के 5 बज रहे हैं और 15 मिनट में यहाँ पर एक बल्ले बल्ले नाम का शो होता है मार्की थिएटर में। अब बल्ले बल्ले मीन्स तो आपको समझ ही गया होगा कि कुछ पंजाब से रिलेटेड है, तो उसमें ये आई गेस ये बताया जाता है कि पंजाब में वेडिंग कैसी होती है। अभी तो अनाउंसमेंट वही हुई थी जितना मुझे पता है, बट जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, कि जो पूरा क्रूज है ना वो एयर कंडीशनड है, मतलब आप तो सिर्फ जब बालकनी में खड़े होते हो ना तभी आपको थोड़ा बहुत उमस लगेगा, वरना जब आप अंदर आओगे ना तो बाप रे इतनी कड़ाकेदार ठंडी है, मुझे तो ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं जितनी बार भी मैं यहाँ पर आती हूँ। तो ये है मार्की थिएटर,
यहाँ पर अभी बल्ले बल्ले शो होगा, हम फटाक से जाते हैं, वरना पता चल रहा है अच्छी वाली जो सीट्स है ना वो सब चली जाएंगी, फटाक से अच्छी वाली सीट्स जाकर लेते हैं। यहाँ पे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। बल्ले बल्ले जो शो है ना वो कॉपीराइटेड था, इसलिए मैं ये भी वीडियो नहीं निकाल पाई। तो अगर आप लोग यहाँ आओगे ना तब देखना। जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, वेदर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, 6:30 का था सनसेट का टाइम, बट यहाँ पे पूरी बादल छा चुका है यार, मतलब पूरा बादल छा चुका है। मुझे ना सनराइज देखने को मिल रहा है ना सनसेट। और मैं जैसे ही आई हूँ मुझे मेरा रूम पूरा साफ मिल गया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ना मुझे मेरे बेड पे कुछ मिला है, ये शोर एक्सकर्शन का है, देखते हैं क्या है इस लिफाफे में। निकल नहीं रहा है। तो इसको निकालने में मेरी जान निकल गई है, बट ठीक है। हमारा एक्सकर्शन है अनवनटूना बीच, अब पता नहीं मुझे कौन सा बीच है। तो कल असेंबल टाइम इज 7:00 इन द मॉर्निंग। अरे भैया इतने सुबह तो मैं उठती नहीं हूँ, बट ठीक है, हम कल बीच जाने के लिए रेडी होने वाले हैं। और आज रात को ही हम जो हमारा बैकपैक है उसमें हम कपड़े भर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीच पर जाएंगे और वहाँ पे समुद्र के पानी से नहीं खेला तो क्या किया ना। चलो अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, मुझे अपना बैग भरने दो। अब एक्सकर्शन का बैग भरने से पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो हम खाना खाने चलते हैं। यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन इतना अच्छा नहीं है तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा। और ना वन मोर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो एक लाइक 6th deck पर है, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो deck 5 पर है खाना। हाँ, जब मैं पानी के अंदर कूदा था ना। चलो फिर, मैंने आप लोगों को बोला तो था कि मुझे बैग पैक कर लेने दो, लेकिन हम साथ में बैग करेंगे। बाप रे मैं कितना फंबल कर रही हूँ। तो ये हमारी बैग है जिसमें हम हमारा कपड़ा और सारा सामान ठूसने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो नायलॉन सिंथेटिक, हाँ जो भी मटेरियल का है, ये वाला बॉडीकॉन हम लेकर चलेंगे बैग में, मैं ये भरने वाली हूँ। क्योंकि ये ना पानी से थोड़ा बहुत भी गीला हुआ तो बहुत जल्दी फटाक से एकदम चुटकियों में सूख जाता है, और इसमें ना पानी फील भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो बाय चांस अगर थोड़ा बहुत गीला हो भी गया तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये भरते हैं हम अपनी बैग में। तो हमारे कैमरा गेयर्स हैं, जो मैं ये GoPro भी रखूँगी तब मैं इसके साथ ये रखने वाली हूँ। ये हमारा छोटा सा ऐसा वाला बैग है जिसमें मैं से हैंडी चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन या अपने रूम का कार्ड या बाकी सारी चीज़ें रखने वाली हूँ। ये भी है, इसमें मेरा मेकअप का सामान होने वाला है, क्योंकि मेकअप का सामान उसमें ये वाले इतने बड़े बैग में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें ट्राईपॉड भी आएगा अभी, वो भी एक नहीं दो ट्राईपॉड, एक GoPro के लिए और एक मोबाइल के लिए। अब ये वाला जो हैंडल है ना, ये GoPro का हैंडल है, और अगर इसमें GoPro फिट भी कर दिया और ये पानी में भी गिर गया तो पानी में के अंदर GoPro जाएगा नहीं, ये पूरा ऊपर तैरते रहेगा, इसलिए हम ये वाला स्टैंड रखेंगे। ये मैं पूरा बॉक्स लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भर जाएगा, तो इसमें से हम सिर्फ 2 चीज़ें निकालेंगे, बैटरी और ये है वाटर माउंट, बाकी का डब्बा बंद करते हैं और रखते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है ये पॉलीथीन, क्योंकि हमारे कपड़े गीले हो गए तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं भर सकती, तो ये एक्स्ट्रा पॉलीथीन मैं घर से लेकर आई हूँ। मेरे इतना इंटेलिजेंट कोई होगा नहीं ना, पता था मुझे। एंड ऑल्सो ये वाले बैग में ना मैंने मेरी मेडिसिन भी रखी है, बुखार की मेडिसिन है, पैरासीटामॉल है, सेरेडॉन है, और एक सिकनेस की भी दवाई है। तो चलो फिर, हमारी पैकिंग हो गई है डन, अभी मुझे कैमरा बंद करने दो, ट्राईपॉड भी रखना है वरना ट्राईपॉड भूल जाऊंगी। वेट अ सेकेंड, मैं ना शायद एक और चीज़ भूल रही हूँ, वो है मेरा पावर बैंक, क्योंकि कल हम सुबह 7 बजे एक्सकर्शन के लिए निकलने वाले हैं और शाम को आई गेस 4 या 5 बजे तक के वापस आएंगे, तो शूट करके मेरी बैटरी पूरी डाउन हो चुकी होगी और मैं नहीं चाहती वो बैटरी डाउन के कारण मैं शूट ना कर पाऊँ, तो हम हमारा पावर बैंक भी रखने वाले हैं। दोनों चीज़ें साथ में माइंड में चल रही थी इसलिए फंबल हो गई, हंसना बिल्कुल मत। तो जो हमारी सारी पैकिंग है ना वो डन हो चुकी है, आई गेस मैं कोई भी सामान मेरा भूल नहीं रही हूँ, मैंने मेरे सारा सामान पैक कर लिया है। अगर भूल भी रही हो तो एंड टाइमिंग पे भरना हम लड़कियों का काम होता है, बस ठूस दूंगी अपने बैग में और निकल पड़ेंगे। तो अभी रात हो चुकी है, 10:30 बज चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। हम अभी अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सकर्शन वाले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि ये वाली वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब किया बगैर तो बिल्कुल ही मत जाना। चलो तर आता अपन भेटू या डायरेक्ट एक्सकर्शन
तर आता आपण भेटूया डायरेक्ट एक्सकर्शनच्या व्हिडिओमध्ये. अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं जा रही हूँ सोने.